How are you all? My name is Mridul. Guys, I'm back with another lesson. आज मैं आपके सामने एक नया लेसन के साथ में आया हूँ और आज का हमारा लेसन है थैंक यू. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हेडिंग भी लिखा हुआ है थैंक यू. मीन्स आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग जब भी किसी को शुक्रिया अदा करते हैं तो एक ही तरीका होता है, वो है आपका शुक्रिया. इट मीन्स इन इंग्लिश थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स लाइक बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप दो तीन तरीके आपको बताओगे. बट टुडे आई विल टेल यू हेयर डिफरेंट वेज ऑफ थैंक यू. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, तो इसमें सबसे पहला तरीका लिखा है सो नाइस ऑफ यू. चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सो नाइस ऑफ यू है आप कहां पे यूज कर सकते हैं. वेल पीपल, आप देखोगे जब भी आपकी कोई मदद करता है तो आप उसको एक थैंक यू बोल देते हैं. बट अगर वो मदद कोई आपसे बड़े उम्र में या फिर आपसे तजुर्बे में बड़े हैं तो उनको आप थैंक यू नहीं बोलेंगे. यू हैव टू से सो नाइस ऑफ यू. क्या बोलना है आपको इंग्लिश में? सो नाइस ऑफ यू. एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ में, सो नाइस ऑफ यू. वेरी गुड गाइस. ओके नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वेरी काइंड ऑफ यू. ये भी एक नया तरीका है थैंक यू बोलने का. होप सो आप लोग इसको यूज कर रहे हो. बट वेरी काइंड ऑफ यू मीन्स इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बहुत बड़े दयालु हैं. इसका मतलब है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये वे आपको यूज करना है. सोचिए आपकी कोई मदद करता है पैसों से तो आप उसको थैंक यू बोल देंगे. कॉमन है थैंक यू वर्ड तो हम लोग हर जगह यूज कर देते हैं. आपका पेन गिर जाएगा कोई उठा के देगा आप थैंक यू बोल देते हैं. बट सोचिए आपकी कोई पैसों से हेल्प करता है या फिर कोई अपना टाइम देता है आपको तो उसको बोल सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वेरी काइंड ऑफ यू. वेरी गुड गाइस. ओके इस तरह से आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं थैंक यू बोलने का. जो थर्ड मैंने लिखा हुआ है आई एम ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं ग्रेटफुल हूं. नो, आई एम ग्रेटफुल टू यू मीन्स आप यहाँ पे थैंक यू बोलें किसी को. ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ग्रेटफुल की स्पेलिंग सही रखनी है. आप इसको ग्रेट महान वाला नहीं बोलेंगे. दैट्स फाइन. आई एम ग्रेटफुल टू यू मीन्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये तरीके हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको एक ही तरीका पता था अभी तक थैंक यू बोलने का. लाइक आपका पेन गिर जाएगा या फिर आपकी घड़ी गिर जाती है या वॉलेट खो जाता है या आपका फोन खराब हो गया, कोई आपको सही करके देता है फोन. सो यू हैव टू से हियर आई एम ग्रेटफुल टू यू. वेरी गुड. ओके नेक्स्ट मैं आपसे बताना चाहूंगा एक नया वर्ड है. ओके दिस इज कॉल्ड ऑब्लाइज्ड. बिल्कुल सुना आप लोगों ने, आपको इसको बोलना है ऑब्लाइज्ड. फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ में ऑब्लाइज्ड. ओके सो जब आप किसी से बोलते हैं भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई. डॉक्टर्स के लिए आप बोल सकते हैं ये, लाइक पुलिस स्टेशन में आप बोल सकते हैं. जब आपकी कोई हेल्प होती है, बहुत बड़ी हेल्प होती है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं. या फिर आप कोई केस जीत जाते हैं तो वहाँ पे बोल सकते हैं. ओके स्कूल कॉलेज में अपने से बड़े लोगों को आप बोल सकते हैं मैं आपका आभारी हूँ, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू. बस इसी सेंटेंस को आप और अच्छे से बोल सकते हैं. यू कैन से हियर आई विल बी ओब्लाइज्ड to you forever. मैं हमेशा हमेशा आपका आभारी रहूंगा. You can also say here like आप और भी चीज़ बोल सकते हैं इसको. I will be obliged to you. I am obliged to you forever. हमेशा हमेशा. So next मैं आपको ये बताऊंगा. The word is written here indebted. But आपको इसको indebted नहीं पढ़ना है. You have to say indebted. क्या बोलना है आपको इंग्लिश में? Indebted. You have to silent the b. आपको इसमें b silent रखना है. दोस्तों यहाँ पे इसको indebted ही बोलते हैं. ये word use किया जाता है मोस्टली. आप सोचिए लाइक क्या आप अपने आर्मी सोल्जर्स जो हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमारे नेशन को सही सलामत रखें, क्या उनको आप सिंपल सा थैंक यू बोलोगे? नो गाइस, ये रॉन्ग है. आपको उनको बोलना होगा मैं आपका कर्जदार हूं और हमेशा हमेशा रहूंगा. लाइक आप ये वर्ड बोल सकते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे लिए कितना कुछ करके गए उनके लिए बोल सकते हैं. सो इंडेबटेड वर्ड का आपको यूज करना है जब आप बोलते हैं कि मैं आपका कर्जदार हूं, मैं आपका कर्जदार रहूंगा. लाइक मैं बोलता हूं यहां पर आई विल बी इंडेबटेड टू माय पेरेंट्स. मैं अपने माँ बाप का कर्जदार हूं और आगे भी रहूंगा. आई एम इंडेबटेड टू माय पेरेंट्स एंड आई विल बी इंडेबटेड टू माय पेरेंट्स. ऑफ कोर्स जिनकी वजह से आज मैं यहां हूं. एंड आई कैन ऑल्सो से हियर फॉर यू पीपल आई विल बी इंडेबटेड फॉर यू ऑल माई लविंग व्यूअर्स. मैं आपका भी हमेशा हमेशा कर्जदार रहूंगा. दैट्स फाइन. सो इंडेबटेड वर्ड यूज करना है फॉर फ्रीडम फाइटर्स, आर्मी सोल्जर्स एंड जिसके आप कर्जदार रहते हैं. लाइक इट कैन बी योर टीचर, कैन बी योर मेंटर एंड ऑल. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आई अप्रिशिएट यू मीन्स आप किसी के काम की सराहना करते हैं. आप इसको और अच्छे तरीके से बोल सकते हो आई अप्रिशिएट वॉट यू हैव डन फॉर मी. मैं सराहना करता हूँ जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया. ठीक है, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे होते हैं और जर्नी के दौरान खड़े खड़े आपको प्रॉब्लम होती है, तभी आपको कोई
छोटा सा स्पेस देता है बैठने के लिए तो आप वहां बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू वेरी काइंड ऑफ यू आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट्स माइन सो हम बात करते हैं यहाँ पर अप्रिशिएट Yes, we were talking about like appreciate. तो appreciate word use करना है जब आप किसी के काम की सराहना करते हैं किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो तो वहाँ बोल सकते हैं यार I appreciate what you have done for me. मैं बहुत बहुत खुश हूँ जो तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है The last word हम लोग यहाँ discuss करेंगे यहाँ पर The word it's called I can't say thanks enough. ठीक है मैं अब आपको इतना शुक्रिया नहीं कह सकता Means आप कहना चाहते हैं आप बिल्कुल कहना चाहते हैं और आप कह रहे हैं ये एक नया तरीका है गाइस इसको आप यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा मींस किसी ने आपके लिए इतना कुछ कर दिया कि थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है तो वहां बोलोगे यार आई कांट से थैंक इनफ आई कांट से थैंक यू इनफ बिल्कुल सही चलो हम लोग एक बार फिर से बोलेंगे आई कांट से थैंक यू Enough. Well, people. So the topic is just end up here. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज जल्दी से तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ओके फॉर टुडे नाइस मीटिंग यू ऑल गुड बाय गाइज